डॉक्टर स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जिस तरह से खबर आई है कि बिहार पुलिस जो है मुंबई आने के लिए रवाना हो गई है और वो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि सुशांत के परिवार ने एफआईआर लॉन्च कराई है। अब उसके बाद जो है डॉक्टर स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहना है उनका, मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। वो लिखते हैं, इफ बिहार पुलिस इज सीरियस अबाउट हैविंग अ से इन द इन्वेस्टिगेशन इन टू द अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, देन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू अ सीबीआई प्रॉब, सिंस पुलिस ऑफ टू स्टेट्स कैन नॉट सेपरेटली इन्वेस्टिगेट द सेम क्राइम। तो उनका ये कहना है कि अगर वाकई में पटना पुलिस, बिहार पुलिस सीरियस है इस बात को लेके कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, देन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू अ सीबीआई प्रॉब। तो इसमें अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है, इसमें सीबीआई जांच अब तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दो राज्यों की पुलिस एक साथ एक ही क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने फिर से ऐलान किया है और फिर से ये कहा है कि इसमें जो है अब कोई डाउट नहीं रह जाता है, अब तो इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि अब बिहार पुलिस भी आएगी, मुंबई पुलिस भी एक ही केस की जांच कर रही है। तो इसका मतलब कुछ तो इस केस में है जिसके लिए दो स्टेट्स की पुलिस लगी हुई है, अब तो इसमें सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। इफ बिहार पुलिस इज सीरियस अबाउट हैविंग अ से इन द इन्वेस्टिगेशन इन टू द अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, देन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू अ सीबीआई प्रॉब, सिंस पुलिस ऑफ टू स्टेट्स कैन नॉट सेपरेटली इन्वेस्टिगेट द सेम क्राइम। तो एक बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर स्वामी ने। अब देखते हैं कि आखिर वाकई में इस केस में क्या होता है। उनके परिवार ने पटना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई, उसके बाद जो है बिहार से चार लोगों की जो है मेंबर पुलिस के ऑफिसर्स रवाना हुए हैं मुंबई आने के लिए। तो क्या अब ये केस जो है दो राज्यों की पुलिस हैंडल करेगी, क्या होगा इस केस में? मुझे लगता है बहुत ही जल्द इसमें कुछ बहुत बड़ा सामने आएगा और डॉक्टर स्वामी ने भी अब इसी बात को उठाया है। तो देखते हैं कि आखिर इस केस में अब नया अपडेट क्या आता है।